रहती है, क्यों गर्मियां फिर रुकी रुकी क्या बिना पाए। जोर की आज की कंप्लीट लुक, सो इसने ये ड्रेस वेयर किया, ये रेडी हो चुकी है। अब हम जाने वाले मम्मा के दिखाते चलते हैं आगे। सो जी फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मा हुजूर आ चुके हैं, हम खा रहे हैं और फिर थोड़ा डेर में चुके। काशा क्या हाल है, ईद मुबारक। छुट्टी खा रहे सुबह, इतनी देर हो गई है, यहाँ पे खाना लगता है, ये सारा मेन्यू यहाँ पे सेट हो रहा है। मेरे लड़का सबसे पहले आके सच के बैठे के पता कितना कुछ ले खा जाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कि ना सब खैर खैरियत होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्रांड न्यू ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल पर नहीं होगी और पे करते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। सो जी फ्रेंड्स, आज फाइनली हमारी ईद है, ईद मुबारक। सो जी फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने ब्लॉग थोड़ी देर बाद स्टार्ट करना था, मैं लगी थी सोने। सो मैं क्यों ना ब्लॉग सोकर उठ के स्टार्ट करूँगी, फिर मुझे अचानक से अगर नहीं अभी से स्टार्ट करी थी सोकर उठी तो फिर नींद में होंगे, तो फिर ब्लॉग स्टार्ट करने में ताकत नहीं आएगी। अभी तो नींद आ रही है ना, तो अभी इसलिए चीख चूख सकती हूँ, तो वो ताकत है ऐसे इंट्रो करने की। सो मैं जल्दी से अपने इंट्रो करते हैं, सारे हालात देखते घर में क्या हो रहा है। बाबा लोग जा चुके ईद नमाज़ पढ़ने के लिए, और वैसे कहा जो लेडीज होती है ना, लड़कियाँ वो और लड़कियाँ औरतें जो भी होती हैं, तो वो ईद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना उनका होता है, कि वो मस्जिद जाके पढ़े घर में इमाम के पीछे। इमाम का पीछे आना ज़रूरी होता है, घर में वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती। पहले हम पढ़ते थे, लेकिन जब से अब हमें पता चला तो अब हम घर में नमाज़ नहीं पढ़ सकते, और मस्जिद जाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। फिर उठ के तैयार होकर मस्जिद जाओ तो फिर वो कहता, और फिर मुझे अब वो दूर भी है यहाँ से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम मस्जिद तो नहीं जा रहे, लेकिन मम्मा लोग तस्बीह नमाज़ वगैरह गा के अदायगी करने लगे, और मम्मा लोग पढ़ने लगे हैं नमाज, और उसके अलावा हम लगे हैं सोने। सो अब मैं चलते जाकर हालात देखते हैं, लेट्स गो फ्रेंड। सो जी फ्रेंड, जो हमारे कमरे के हालात है कुछ थोड़ा सा आज वैसे है, क्योंकि अभी हम सोने हैं, तो जिसकी वजह से ना अभी हमने ब्लैंकेट्स तक उठाए नहीं, अभी तो अब सोने लगे, तो ब्लैंकेट्स कहाँ पे उठाने हैं। फिर यहाँ चलते हैं बाहर जाकर देखते हैं। ये मम्मा जो है, मम्मा जो ईद मुबारक। अच्छा मम्मा जो जरा घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करे, वैसे तो हमने रात को नीट कर दिया था, क्योंकि आज मेड्स ने नहीं आना, जिसकी वजह से घर वो कदा क्लीन नहीं हो सकता। फिर ये इधर सोफ़ा सेट कर दिया, ये हमारा कुछ फ्रेम लग गया था, फिर ये वाला एक फ्रेम हमने रेडी किया था, ये कुछ हमारे कल के काम थे। अब जो उनसे घर को क्लीनिंग क्लूनिंग की जा रही। नैना हुजूर आ चुके, नैना हुजूर ईद मुबारक। ये अभी अभी फ्रेंड्स मेहंदी लगाई, और अभी अभी हमने धोबी दी, और कलर भी आ गया, चेक करें कितना कमाल का कलर आ गया। चलो जी फ्रेंड्स, अब ये लोग पढ़ने लगे नमाज, और मैं चली हूँ रेस्ट फरमाने। लेट्स गो, चलते हैं नमाज मुज पढ़ते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर सोते हैं। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स फ्रेंड्स, थोड़ी देर में उठेंगे। स्टे ट्यून्ड। 2000 इयर्स लेटर। गई थी काफी ज्यादा सोने के बाद, मैं उठी और उठ के मैंने मेहंदी प्यारी सी अपने हाथों पे लगाई, बहुत प्यारी लग रही है। एक ही हाथ पे लगा सकती है, दूसरे पे लगा नहीं सकती। नैना हुजूर को आती नहीं लगानी, और मुझे जितनी को आती है वो इस टाइप की थोड़ी बहुत आती है, तो मैंने अपने भी लगाई, नैना के भी लगाई है। मेहंदी लगाने के बाद हम अभी तक कपड़े ड्रेस चेंज नहीं किए, ईद के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा स्टिल बोरिंग था। सारा दिन हमने सोकर गुजरा, क्योंकि सारी रात जागा था, सारा दिन सोए और उठ के फिर अभी उठे हैं, तो अगर कहीं पर जाने का प्लान बनता है तो फिर हम रेडी होंगे। सो चलते जाकर सारे हालात देखते जाकर पूछते हैं, अभी जाने का प्लान है कि नहीं है, रेडी होना है कि नहीं होना, लेट्स गो। सो जी फ्रेंड्स, हम यहाँ से जाते हुए नैना हुजूर आगे लेटे हुए नैना हुजूर क्या हाल चाल है। बहुत नैना हुजूर, आप रेडी शेडी नहीं हुए, कहीं पर जाने का प्लान है आज? मम्मा कह तो रही, बाबा कह रहे थे। मम्मिया शायद बाबा कह रहे थे कि शाम को बनाते हैं, मतलब शाम को जाने का प्रोग्राम है शायद, तो कर लेंगे ना कॉल करके जो घर है कि नहीं, अगर घर हुए तो। एक तो इतना रिश्तेदार हो गई रह गए जाना होता है, सब वो देखते जाते हैं अगर नहीं जाते, बहुत प्यारी लग रही है मेरा मेहंदी। नैना भी सेम हम लोगों ने सेम मेहंदी लगाई है, बहुत प्यारी है, अभी अभी मैं लगा के फ्री हुई हूँ। सो मैं जल्दी से अपना व्लॉग करते हैं कंटिन्यू, थोड़ी देर में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस। सो जी फ्रेंड, ये है मेरा आज का आउटफिट, ये मैंने पहनना है, और वो जो आगे पड़ा हुआ है नैना हुजूर का वो ड्रेस है, नैना हुजूर ने वो पहनना है, मैंने ये पहनना। लड़की अपनी ट्रांजिशन वीडियो बना रही है, सो इसने लाइट बंद कर दी है स्टिल। सो ये हमारे बेड़ा गर्क बंद कचरा इसको। सो जी फ्रेंड, ये हमारे ड्रेस है, मैं थोड़ी देर में मिलती है, बड़ी तंग आ रही है मुझे, स्टे ट्यून्ड गाइस। और जी फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई, हम सब रेडी हो चुके, ये मेरी आज कंप्लीट लुक। सो मैंने रेडी होने के बाद ये ड्रेस वेयर किया, वैसे तो सिंपल है, लेकिन मैंने ये जैसे था ना, आज थोड़ा नॉर्मल डे था, मतलब ईद का दिन जरूर था, लेकिन हम कभी गए नहीं थे कहीं पर, वैसे ही बोरिया से दिन गुजरा, तो मैंने कहा सिंपल वाला ड्रेस पहनते। सो ये मेरी लुक है, नैना को कहते लुक दिखाए, फिर नैना जरूर की दिखाते, मम्मा की दिखाए, सबकी लुक दिखाते, फिर चलते हैं, लेट्स गो फ्रेंड। सो जी फ्रेंड, ये है मेरी आज की कंप्लीट लुक, जो मैंने ड्रेस वेयर किया है, ये है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी लुक आज की। अब मैं दिखाती हूँ नैना हुजूर की, मम्मा की, सबकी दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। सो जी फ्रेंड्स, ये नैना हुजूर की आज की कंप्लीट लुक, सो इसने ये ड्रेस वेयर किया, ये रेडी हो चुकी है, अब हम जाने वाले मम्मा के दिखाते चलते हैं आगे।
सो जी फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मा हजूर की आज की कंप्लीट लुक है। मम्मा हजूर रेडी हो चुके हैं, ये ड्रेस मम्मा हजूर ने वेयर किया। सो मम्मा भी रेडी हो चुके हैं, नैना भी रेडी हो चुका है, सब रेडी हो चुका है। सो चलते हैं, लेट्स गो। सो जी फ्रेंड्स, अब हम जाने लगे, चलते जाके मिलते हैं, लेट्स गो। यहाँ से हम जाते हुए अंधेरा फुल होते हुए वहाँ जाते हैं, मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे। चलो चल भी पड़ो, इधर जाना है। एक तो हमारी फैमिली भी आगे नहीं चलती, स्टॉप ही हो जाती है। ऊपर जाके मिलके बात करें। फ्रेंड्स, ये हमारे वेलकम के स्टार्टर आ चुके हैं, हम अभी खा रहे हैं और फिर थोड़ी देर में रहते हैं। मुत्रिपा लोग भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सो जी फ्रेंड्स, हम रूम में आ चुके, रूम में आके बैठ रहे। बाहर कंफर्टेबल नहीं थी बात करने में, मतलब वो कहना अजीब लगता है सबके सामने ब्लॉग करता हुआ। तो फिर मैंने जितना ले सकती थी मैंने लिया। सो अब मैं रूम में आ चुकी, हम सब रूम में बैठ गए हैं। सो मैं जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उकाशा भी आ चुकी, उससे ही मिलवाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये उकाशा हुजूर आ चुके। उकाशा, क्या हाल है? ईद मुबारक। छुट्टी कर सुबह इतनी देर हो गई है, टाइम क्या हुआ? ईद खत्म हो गई है लड़के ईद खत्म, बहुत तेज हो रहा है, खत्म हो गई है ईद। निकालो, ईद खत्म हो गई है, छुट्टी करो, ईद खत्म, फिनिश। थोड़ी देर स्टेट ट्यून कर, खाना लग गया। खाना खाने के लिए माशाल्लाह आ चुके हैं, अल्लाह पाक। अब हम बैठेंगे फिर खाना खाएंगे। सो जी फ्रेंड, खाना आते हुए और ये सारे पागल होते हुए ये हमारा यहाँ पे खाना लग रहा है। ये सारा मेन्यू यहाँ पे सेट हो रहा है और ये लड़का सबसे पहले आके खा चुके बैठे के पता कितना कुछ ने खा जाना है। ये सारे बैठ चुके हैं। जी फ्रेंड, ये हमारी आइसक्रीम आई, मेरी मुत्रिपा की पड़ी हुई है। तो अब हम आइसक्रीम खाते, खाना खा ले, खाना बहुत मजा था। अब खाते हम आइसक्रीम, फटे में आइसक्रीम खत्म होते हमारी थोड़ी देर में आ चुकी है। हमारे सामने स्वीट और आएगी चाय की, दो चाय के कप, सब पता नहीं क्या है। हमारी विदाउट शुगर चाय आ चुकी है और अब हम चाय पीने लगे हैं। थोड़ी देर मिलते हैं। ना इन्होंने ये चॉकलेट्स दी हैं सबको, तो बहुत मज़ा आ रहा है सच्ची। यहाँ पर सबकी ईदियाँ चल रही हैं सच्ची वाली, बहुत मज़ेदार है काम। जी फ्रेंड, जी मुत्रिपा बैठी हुई है, इसने आज ड्रेस वेयर किया। मुत्रिपा, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक मुत्रिपा, क्या हाल है? क्या हाल तुम्हें निकल लिया? सच मैं भूल गई फ्रेंड्स, क्या करूँ मुझे आजकल बहुत ज़्यादा भूलने लग गई, भूलने की बीमारी हो गई, नींद इतनी ज़्यादा आती है ना इसलिए। ईद का मैसेज, हम सो रहे थे, ईद का मैसेज क्या करती थी मैं आज तीन चार बजे तो मैं सो के उठी हूँ। सुबह 7 बजे सोई हूँ, 3-4 बजे तो शाम के उठी हूँ। सो जी फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग खाना शाना खा के हर चीज़ से फ्री होके यहाँ पे आए और आके बैठे हैं। मम्मा बुलारी में जा रही हूँ। सो जी फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने के बाद अब मैं करूँगी चेंज हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतना सब कुछ वेयर भी किया, ज्वेलरी वॉच और थिंग्स, तो सब कुछ उतारते चेंज करते फ्रेश होते फिर मिलते। सो लास्ट को जाकर चेंज करते नैना जो नमाज पढ़ रहे, बाकी सब भी अपने अपने काम कर रहे, फ्रेश हो रहे और जाकर देखते हैं वो लोग भी क्या क्या कर रहे हैं। चलो लेट्स, नैना हजूर नमाज पढ़ता हुआ, नमाजी पड़ोसी बनता हुआ यहाँ जब चलते हैं बाहर। डैडा हजूर रेस्ट फरमाता हुआ और मम्मी हजूर रोज से चेंज चीज़ें उतारते हुए, ज्वेलरी शुलरी उतारते हुए फिर रिमूव करता हुआ, फिर थोड़ी देर में मिलता है। स्टेट ट्यून। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मंडे पे करते, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक एवरीवन। सो जी फ्रेंड्स, रात के इस टाइम हो चुके हैं 2 और अब हम लगे हैं सोने, बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी है। नैना हजूर कपड़े अरेंज कर रहे हैं, आने के बाद हमने थोड़ी सी रेस्ट की, अब चाय पी, और चाय पीने के बाद नैना हजूर कपड़े अरेंज करने बैठे, कपड़ा कर रहे हैं, उसके बाद अब लगे सोने। सो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो और अब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं।